एक बार पुनः आपका आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। ये वीडियो कल्चरल एक्टिविटीज़ का चौथा पार्ट है, जिसमें रंगोली का ही पार्ट है कल्चरल एक्टिविटीज़ का। तो आइए हम आगे की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका विशेष करके धन्यवाद, आपने बच्चों के टैलेंट को आगे तक बढ़ाने के लिए मौका दिया है। तो मैं सबसे पहले बच्चों से पूछ लेता हूँ, आप कौन बनाए आप में से? अच्छा, सारे लोगों ने, क्या नाम आपका? माय नेम इज साक्षी माथुर। साक्षी माथुर जी, आपका नाम? माय नेम इज पीयूष कुमार। माय नेम इज अनिल पासवान। योर नेम? माय नेम इज पीयूष यादव। माय नेम इज राजवीर नाथ। अच्छा, आपका नाम? माय नेम इज सारंग पदे। आपका नाम? माय नेम इज श्रेया यादव। श्रेया यादव जी, आपकी रंगोली का थीम क्या है? सर, मेरी रंगोली का थीम है कि कास्ट बहुत सारे हैं, पर हमारा संविधान ये कहता है कि बहुत बढ़िया थीम उठाया है। इधर आइए, बताओ, इधर आइए, बहुत बढ़िया थीम उठाया है, बोलिए, बेबाकी से बोलिए आप। हाँ सर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सारे लोग एक बराबर हैं, भले ही कास्ट अलग क्यों ना है, पर एक सारे लोग एक समान है। ये बताइए, बेटी होने के नाते कभी कभी आपने समाज, हालांकि आपने अभी समाज को अटेंड किया नहीं है, तो कभी बेटियों के जीवन में ये क्या कभी प्रॉब्लम कभी दिखता है आपको? सर मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में, आगे बढ़ने के क्षेत्र में कभी बाधाएं ऐसी आती हैं, आपने महसूस किया है? लोगों की सोच क्या है? लोगों की सोच जाना चाहिए, बेटियों पर विश्वास करें, बेटियों को आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं लिखाएं, ना कि उनसे काम करवाएं। जी जी, एक चीज और बताइए, बहुत से लोग हैं जैसे पढ़ाई बीच में छोड़ा देते हैं, उनके पास सब कुछ संसाधन होता है, फिर भी बच्चों पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे गार्जियन को क्या कहना चाहिए? सर, ऐसे गार्जियनों को मैं बोलना चाहती हूँ कि अपने बेटी या बेटियों पर विश्वास करिए और उनको आगे बढ़ाइए। जो काम वो कर सकते हैं, वो काम मैं भी कर सकती हूँ। ऐसे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो बेटियों ने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, ठीक है ना? तो ये चीजें हैं कुछ, और आप एक चीज और बताइए, पटाखा का ये त्योहार है, ठीक है ना? पटाखा हालांकि ये त्योहार है, फोड़ते रहते हैं, तो इसमें कुछ जहरीली गैसें भी निकलती हैं, तो हमारे लिए क्या नुकसान करता है? सर, जहरीली गैसें हमारे अर्थ को सर, हमारे जीवन को सर नुकसान पहुंचाते हैं। तो सर, हमें क्या सावधानी रखना चाहिए? सर कि हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, मतलब कम से कम जलाइए, ठीक है ना? तमाम विषैली गैसें निकलती हैं। एक चीज और बताइए, चूंकि आप युवा पीढ़ी हैं और आपके कंधों पर ही देश का भविष्य, आगे सारे लोग यही उम्मीद करते हैं। डीजे का प्रचलन आजकल बहुत ज्यादा है ना, और बहुत तीव्र श्रील वॉल्यूम में लोग चलाते हैं, और इससे क्या नुकसान होता है? सर, इससे हमारे कानों को नुकसान पहुंच सकता है और इससे नॉइज पॉल्यूशन बढ़ता है। जी जी, तो ऐसे लोगों को क्या आप सलाह देना चाहते हैं? सर, ऐसे लोगों को सलाह देती हूँ कि आवाज उनको धीमी करके सर डीजे चलाना चाहिए और बहुत कम चलाना चाहिए। तो देखिए, आप लोगों ने देखा ना, आज हमारे समाज में क्या एक ऐसा प्रचलन चल गया है कि डीजे का, और डीजे से हार्ट के जो मरीज हैं सबको दिक्कत है, लेकिन फिर भी हम चेत नहीं रहे। इस बच्ची की बात मानिए और डीजे को कम वॉल्यूम में चलाइए आप। आपका नाम क्या है? पीयूष कुमार। पीयूष कुमार जी, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 5। क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर, तो डॉक्टर बनकर कैसे सेवा करेंगे आप मरीजों की? मरीजों की हम अच्छी से अच्छी सेवा करेंगे। और चलिए, इतनी सी उम्र में इतनी अच्छी सोच है, इनके लिए आप जोरदार ताली बजाइए। क्या नाम है मैम आपका? चांदनी दुबे। चांदनी दुबे जी, आप लोगों ने इनका बहुत सहयोग किया है बच्चों का, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएंगे। सर, हमारे बच्चे जो क्लास 5th स्टैंडर्ड में हैं, एंड बहुत कम टाइम में इनके पास संसाधन कम था, कलर्स कम थे, इसमें इन्होंने एक अच्छी थीम लिया, उस थीम की हम काफ़ी प्रशंसा करते हैं कि हमारे बच्चों ने एक भारत के माध्यम से ये बताया कि संविधान एक बड़ी चीज़, जो कि बड़ा व्यक्ति भी जल्दी नहीं समझ पाता है कि संविधान की अधिकार क्या हैं, इन सारी चीज़ों के विषय में बच्चों ने एक अच्छे थीम के साथ बताया है। उस पर कंट्री डिनोट किया है उन्होंने कि अन्य देशों में क्या चीज़ें होती हैं, और हमारे यहाँ सर्वोच्च संविधान को रखा गया है। इन सारी चीज़ों के विषय में बच्चे एक अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं और काबिले तारीफ हैं। थैंक यू। चलिए, ये वाला पार्ट खत्म होने वाला है, मैं आपने से चाहूँगा कि दो लाइन का कुछ आप लोग सुना दीजिए।
से पोएम। हाँ वही। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखटता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप लोगों ने क्या सीखा? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। चलिए एक बार भारत माता की जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय।